दोस्तों आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जीके का, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह कौन है जो हमेशा पिटने के लिए ही बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ढोल। सवाल नंबर दो, ऐसा क्या है जो हमेशा आता तो है लेकिन पहुंचता कभी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आने वाला कल। सवाल नंबर तीन है, अरुण टीना के पिता हैं तो अरुण टीना के पिता का क्या है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो अरुण है वो टीना के पिता का क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा नाम। यहाँ पर सवाल में ही इसका आंसर है, जैसे कि पूछा था कि अरुण जो है वो टीना के पिता है तो अरुण टीना के पिता का क्या है, तो ये है नाम। चलिए सवाल नंबर चार है, ऐसे कौन सी चीज़ है जो समुद्र में पैदा होती है और आपके घर में रहती है। अब यहाँ पर मछली के बारे में बात नहीं हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर पाँच, वह क्या है जो ऊपर नीचे होता है मगर हिलता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान। चलिए सवाल नंबर छः है, उत्तर क्या है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर वाले की उत्तर की बात नहीं हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर एक दिशा है। उत्तर क्या है, तो उत्तर एक दिशा है। चलिए सवाल नंबर सात है, किस सवाल का जवाब हर वक्त बदलता रहता है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किस सवाल का जवाब हर समय वक्त बदलता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम, जो कि हर समय बदलता रहता है अलग अलग। चलिए सवाल नंबर आठ है, ऐसी क्या चीज़ है जिसे जितना खींचे वह उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिगरेट। हम उसे जितनी खींचेंगे वह उतनी ही छोटी होती जाएगी। सवाल नंबर नौ है, एक आदमी नींद के लिए बिना 30 दिन तक कैसे रह सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा रात को नींद लेकर। सवाल नंबर 10 है, सोने की उस चीज़ का नाम बताइए जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है। सोने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुनार की ही दुकान पर नहीं मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा तकिया और चारपाई। सवाल नंबर 11 है दोस्तों, वह क्या है जो बाहर फ्री में और हॉस्पिटल में पैसों में मिलती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर तो फ्री में मिल जाती है लेकिन हॉस्पिटल में पैसों से मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। सवाल नंबर 12, ऐसा क्या है जो है तो तुम्हारा लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरा और कोई करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा नाम। नाम है तो हमारा लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरा और कोई करता है। सवाल नंबर 13 है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। सवाल नंबर 14, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। सवाल नंबर 15 और आज का हमारा आखिरी सवाल है, सबसे कठोर और ठोस पदार्थ कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा, जो सबसे कठोर है और ठोस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं स्टडी पॉइंट 6 चैनल से, तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं आपके लिए नए नए वीडियो की लाऊं तो उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।